हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं डेटा कम्युनिकेशन के तीसरे वीडियो के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं डेटा कम्युनिकेशन के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स के बारे में और बताऊँगा और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। आपको मालूम होगा कि इससे पहले मैंने आपको डेटा सर्विस प्रोवाइडर जैसे VSNL, BSNL, MTNL के बारे में बताया था। आज बात करते हैं थोड़े और पॉइंट के बारे में। जैसे ये डेटा ट्रांसमिशन सेवाएं हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, 1, 2, 3, 4। पहला क्या है? डायल अप लाइन। तो ये क्या होता है? डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है। किससे? टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है, जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइनों तथा यूजरों को ऐड करता है और इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल करके संचार स्थापित करने में किया जाता है। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जो ब्रॉडबैंड टेक्निक होती है वो डायल अप लाइन द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है DSL, इसको कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह क्या होती है? यह एक हाई स्पीड सेवा होती है जो केबल के माध्यम से, यानी जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान कराती है। और एक बात और खास बात यह है इसमें कि जो DSL सेवा होती है, DSL सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है और जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो DSL है ये डायल अप लाइन की तरह कॉपर टेलीविजन लाइन का उपयोग करता है, लेकिन DSL की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लीज्ड लाइन के बारे में। देखिए जो लीज्ड लाइन है ये आवाज़ और डेटा दूर संचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है, यानी दो स्थानों के लिए आवाज़ और डेटा के लिए जोड़ती है। यह एक सिर्फ समर्पित लाइन यानी केवल डेडिकेटेड लाइन नहीं है, बल्कि वास्तव में दो बिंदुओं के बीच एक आरक्षित सर्किट है। ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच एक आरक्षित सर्किट है। ओके, यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव होता है, यानी अगर थोड़ा डिस्टेंस है तब भी यूज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको डेडिकेटेड लैन भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है। दूसरा है इसके बाद ISDN, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क। ओके, इसमें क्या होता है? एकीकृत, यानी इंटीग्रेटेड क्या? एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। इसमें क्या होता है? इस नेटवर्क के माध्यम से आवाज, यानी जो वॉइस होती है आवाज, इसके बाद डेटा और इमेज को स्थानांतरण किया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा नॉइज नहीं होता, यानी क्लियर होता है जो भी ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरी बात, इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जो ISDN है, ISDN जो लाइन होती है लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल करती है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संचार व्यवस्था को प्रोवाइड कराती है। दूसरी बात कि ISDN में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो डिजिटल के रूप में होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि वायरलेस लोकल लूप क्या है। इसको हम शॉर्ट में WLLB कहेंगे। अगर WLL का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको आसानी से बता देना है कि वायरलेस लोकल लूप। तो यहाँ पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वायरलेस, यानी इसमें किसी वायर का प्रयोग नहीं होता है, यानी वायरलेस यानी वायर के बिना संचार प्रणाली होती है जिसमें कोई उपभोक्ता क्या करता है, नेटवर्क से, यानी कोई यूजर नेटवर्क से रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रयोग से जुड़े रहते हैं। और यह जो वायरलेस लोकल लूप है यह बेहतर आवाज़, यानी बेहतर आवाज़ बढ़िया आवाज़ आती है इसमें, बेहतर आवाज़ और उच्च गति, क्या उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान कराता है। ओके, फिर देखिए जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, यानी जहाँ पे लैंडलाइन
टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं होता है, उस जगह पे वायरलेस लोकल लूप का प्रभाव अधिक होता है, यानी इसको अधिक अच्छे से यूज किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात और ध्यान रखनी है कि यह जो वायरलेस लोकल लूप है, यह कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित होता है, जिसको हम CDMA कहते हैं, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं, इस पर आधारित होता है। और ये जो नेटवर्क है आजकल, ये बहुत अच्छा लोकप्रिय साधन है। तो इस तरह से जो बेसिक चीजें थी मैंने डिफाइन कर दी हैं। अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से याद करने हैं। अगर पूछा जाए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स किसका यूज करते हैं, तो टर्मिनल का यूज करते हैं। मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, अगर आपने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ है, यानी जो डायल अप इंटरनेट है इसका लाभ क्या है। तो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है कि इसमें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अभी इसके बारे में बताया था, जो पहले वाला वीडियो था उसमें बताया है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आता है एग्जाम में तो आप इसको कर सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको भी बताया था। प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट होता है, यानी सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको भी याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में आपसे दिया जाएगा और प्रोटोकॉल भी होगा और अन्य ऑप्शन भी होंगे। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो इसका 100% करेक्ट आंसर कर पाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए अन्य नाम है। तो यानी अगर जो पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क है उसको मैश भी कहते हैं, इसको भी याद रखिए। और दूसरा क्वेश्चन, प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी वो अर्पानेट था। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको आसानी से कर लेना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, तो प्लीज रिवाइज करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंकों द्वारा उपलब्ध एटीएम की जो सुविधा होती है वो किस पर आधारित होती है। तो ये व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का उदाहरण होता है। ओके, तो यहाँ पर एटीएम है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको, इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। तो ये किस पे, WAN, यानी व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। तो जो इसका आंसर आपको पहले वाले वीडियो में ही मिलेगा, ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। फ्रेंड्स, मैंने जो पहला वीडियो बताया था उसमें आपको ये समझाया था कि किस तरीके से आपको इस वीडियो को समझना है। जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, जिन चीज़ों को डिफाइन किया गया है, उन्हीं को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और देखिए, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से पीसीएस, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रहण को होल्ड करता है, ओके, स्टोर करता है, उसको सर्वर कहा जाता है। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से डिफाइन किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है और समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बना के पूछा जा रहा है। अगर आपने बेसिकली पढ़ा है चीज़ों को तो अच्छे से कर पाएंगे, और डायरेक्टली आपने क्वेश्चन आंसर याद किए हैं तो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आप भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस को दोबारा देखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।